हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए? बता देंगे फटाफट से, वॉइस क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो फटाफट से हैशटैग सेंड करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हम जो है वो फ्रेंड्स वोकैबुलरी बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके जो है आज आपके जो है आपको पता होगा कि हमने कितने सेशंस जो है इससे पहले भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, सभी को पता ही है ना हिंदी की क्लास है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हेडिंग डाल देंगे सभी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उसमें आप लोगों को पहले भी मैंने बहुत से जो है वो शब्द करवाए हुए हैं, जैसे उसमें से आप लोगों से पूछती हूँ, जरा देखते हैं आप लोगों को कितना ध्यान में है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके समान दूसरा ना हो, कोई व्यक्ति दूसरा जो है वो उसके समान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? बताएंगे, शाबाश, फटाफट से। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? बोलते ना, ये व्यक्ति तो बहुत ही अनोखा है, दूसरों के जैसा नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? अद्वितीय बोला जाता है कि जो दूसरों के समान ना हो, दूसरों से क्या हो, जो अलग हो, उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय बोलेंगे। ठीक है, बिना पलक गिराए हुए उसे क्या बोलेंगे? बोलते ना कि बिना पलक गिराए तुम ये काम करो। सबसे पहले बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए इसे हम क्या कहते हैं? तो बताएंगे, किसी को पता है अगर? बिना पलक, सॉरी, हां जी, क्या कह रहे हैं आप? किसी का कमेंट आया, अतुलनीय, सॉरी मेरे स्पीकर ऑफ था, ऑफ ही होना चाहिए, ऑन थोड़ी ना होना चाहिए आदित्य, है ना? चले, बिना पलक गिराए हुए, तो बिना पलक गिराए हुए का क्या अर्थ निकलता है आपके पास? आपको पता होना चाहिए। बोले शाबाश, अगर किसी को पता है कि बिना पलक गिराए हुए उसे क्या कहते हैं? अब देखो, सबसे पहले तो इसको तो चलिए आंसर हम बाद में देखते हैं। देखो, गिराए, दो शब्द है आपके पास, एक गिराए इस तरीके से है, एक गिराए इस तरीके से है, और एक गिराए इस तरीके से। ये 1 2 ये 3, तीन नंबरिंग मैंने यहाँ पे 3 तक की है। बताएंगे कौन सा सही है, कैसे लिखा जाता है? कैसे हेलो, लिखा जाता है? अगेन, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज अपने अपने माइक्स को म्यूट रखा करो। आप लोगों को कितनी बार कहा है मैंने कि अपने माइक्स को म्यूट रखा करो? रीना, आपका माइक जो है वो अनम्यूट था। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें। बताएं, कोई कह रहा है फर्स्ट, कोई कह रहा है सेकंड, कोई कह रहा है थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है कि कैसे किसी शब्द को लिखा जा रहा है। तो आपका ये वाला सही है, गिराए जो है, जिनको ऊपर नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये वाला शब्द सही होता है। ठीक है, ऐसे जो है आपके पास गिराए लिखा जाता है। ओके, आप मुझे बताएंगे उसे क्या कहा जाता है? बिना पलक गिराए हुए उसे क्या कहा जाता है? अनिमेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बिना पलक गिराए हुए उसे क्या कहा जाता है? अनिमेष कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? किसी पक्ष का, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, जो किसी पक्ष का समर्थन करता है। जैसे आप बोलोगे कि नहीं, मैं बीजेपी की तरफ हूँ, मैं कहूँ मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं हूं नहीं हूं, वो बात की बात है, लेकिन यह इस तरीके का बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? अधिवक्ता कहा जाता है, जो किसी एक पक्ष की बात करे। अब देखो, दो चीजें हैं आपके पास, आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप ही मुझे बताएंगे कि अधिवक्ता कैसे लिखा जाता है। बताएं, शाबाश सभी, हिंदी में लिख के बताना है कि अधिवक्ता कैसे लिखा जाता है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज में भी गड़बड़ करेंगे, तो अधिवक्ता कैसे लिखा जाता है? मैं यहाँ पर भी यहाँ लिखती हूँ नीचे आप लोगों के सामने। ठीक है, कोशिश करेंगे। देखो, मैं पहले ये लिख रही हूँ, मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि अधिवक्ता ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है
इस तरीके से आपके पास जो है वो अधिवक्ता लिखा जाता है, ये होगा। जो क है ना वो ऐसे लिखा जाता है और क इसका इस तरीके से बनता है। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है और इनमें से कोई नहीं भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपने जो है अधिवक्ता जो है उस तरीके से लिख लेना है जिस तरीके से आप लोग सोच रहे थे कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ता भी है और क भी साथ में है तो अधिवक्ता। हाँ जी, अधिवक्ता ऐसे होगा आदित्य, बिल्कुल ऐसे ही होगा अधिवक्ता। ओके, नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। जो वास्तविक मूल्य से अधिक शुल्क लिया जाता है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, जो वास्तविक मूल्य से अधिक जो शुल्क लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अधिशुल्क। ठीक है, जो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अधिशुल्क कहा जाता है जो वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। ठीक है जी, ओके। सरकार द्वारा प्रत्याशित या सरकारी बजट में छपी सूचना क्या कहलाती है? सरकार द्वारा प्रकाशित, सरकार द्वारा प्रकाशित या अधिसूचना में जो छपी चीज होती है, ठीक है, छपी सूचना की बात कर रहे हैं हम। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी, उसको अधिसूचना बोलेंगे, या सरकारी बजट में छपी सूचना को क्या बोलेंगे? अधिसूचना बोलेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है? अधिसूचना बोलेंगे उसे, जो सरकार द्वारा है आपके पास प्रकाशित हुई और सरकारी बजट में जो छपी हुई सूचना है, बोलते हैं अधिसूचना जारी की गई है कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा। तो जो सरकारी जो है बजट के थ्रू जो भी सूचना प्रकाशित की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे है आपके पास, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बताएंगे किसी सभा संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? किसी सभा या संस्था का, पूरा नहीं लिख रही हूं, किसी सभा या संस्था का जो प्रधान है उसको क्या कहा जाता है? बोले शाबाश। किसी सभा या संस्था का जो प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? फिफ्थ है आपके पास, ये क्या कहा जाता है? सभा या संस्था का जो प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है मुझे? उसे अध्यक्ष कहा जाता है, याद रखेंगे। ये तो इजी सी चीजें हैं, ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बताएं तो सही। किसी सभा या संस्था का प्रधान क्या हो गया? अध्यक्ष हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास नीचे की ओर मुख किए हुए। नेक्स्ट है नीचे की ओर मुख किए हुए, उसको क्या कहा जाता है? जो नीचे की ओर मुख किए हुए तो अधोमुख बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? अधोमुख बोलेंगे। अधो मीन्स नीचे, मुख मीन्स मुंह, तो नीचे की ओर मुख किए हुए क्या बोलेंगे? अधोमुख बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अन्य से संबंध न रखने वाला क्या कहलाता है? अन्य से मतलब जो किसी के साथ संबंध ना रखे, अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्य से संबंध ना रखने वाला, जो किसी से संबंध नहीं रख रहा है उसको बोलेंगे अनन्य। ठीक है, अन्य से संबंध ना रखने वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? अनन्य कहलाएगा, जो अन्य से जो संबंध नहीं रखता है, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको क्या बोलेंगे? अन्योन्यपाय। ठीक है, बात समझ में आई? जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनन्योपाय, सॉरी अनन्यो, डबल ना कर देना, एक पूरा दूसरा आधा, अनन्योपाय। ठीक है, बात समझ में आई? अनन्योपाय हो जाएगा, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो क्या हो जाएगा? अनन्योपाय। ठीक है जी, जिसका स्वामी ना हो उसको क्या बोला जाता है? स्वामी मीन्स कि जिसका स्वामी ना हो, बताएगी जरा,
जिसका स्वामी ना हो। जैसे बोलते हैं ना, जिसके माता पिता ना हो उसको क्या कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है। ठीक है, तो जिसका स्वामी ना हो उसको भी क्या कहा जाता है, अनाथ ही कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अनाथ ही कहा जाता है। बात यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया जितने हमने किए। आगे बात करें, यहां से सबको क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़े से श्रुति भिन्नार्थक शब्द करेंगे नेक्स्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे श्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में आपको यानी कि मात्राओं में जिनमें जो है थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूजन होता है, या फिर आपके पास मीनिंग जो है वो मात्रा की वजह से जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, लिख देती हूं मैं ऊपर। हम बात कर रहे हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्द की। श्रुति भिन्नार्थक शब्द, जैसे मैंने आपको बताया था, एक अली और दूसरा अली इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछे जाते हैं मेल की फॉर्म में कि ये मेल करना है आपको, कौन सा किसका मेल होगा। तो अली और अली, तो इसमें किसका मीनिंग क्या निकलेगा, एक का मतलब होता है भंवरा और दूसरे का मतलब होता है आपके पास सखी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कौन सा मीनिंग देता है बताएंगे जरा, जो अंडरलाइन किया हुआ है वो कौन सा मीनिंग देगा, जो अली है उसका मीनिंग क्या निकलता है बताएंगे। शाबाश, जो अली है बड़ी ई की मात्रा वो कौन सा मीनिंग देती है आपके पास, बोलिए। शाबाश, सखी, सहेली, बिल्कुल सही, सभी ने सही बताया। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है वो क्या है आपके पास, भंवरा को बोलेंगे हम। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आप नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, आपके पास जो है जैसे आपके पास है गाड़ी और गाड़ी। ठीक है, एक आपके पास गाड़ी ऐसे लिखा जाता है, एक आपके पास गाड़ी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, आपको क्या लगता है। अच्छा, आपको अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ, एक में ड है और एक में ड है। ठीक है, तो बताएंगे गाड़ी और गाड़ी में कौन सा आपके पास क्या मीनिंग निकलता है। जो फर्स्ट वाला है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हम, जो गाड़ी है ये क्या होता है आपके पास, वाहन होता है। क्या बोलेंगे इसे, वाहन बोलेंगे। जो आपका फर्स्ट वाला गाड़ी है यानी कि वाहन भी बोलेंगे या फिर यान। ठीक है, एग्जैक्ट देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो यान आएगा, वाहन को बोलते हैं वैसे, लेकिन यान शब्द आपको पता होना चाहिए। और जो गाड़ी है ये मतलब हुआ इसका गहरी। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मतलब हुआ गहरी, जो सेकंड वाला है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट करते हैं, आपके पास शब्द है नियत और दूसरा शब्द है नियत। बताएंगे थोड़े थोड़े शब्द करते हैं हम, ताकि ये डेली से जो है वो लर्न भी किए जा सके। तो नियत और नियत, एक होता है निश्चित, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है, और जो दूसरी नियत है इंसान की वो क्या होता है, इरादा होता है। क्या होता है, वो इरादा होता है। ठीक है, तो निश्चित और इरादा, तो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट वाले का मतलब हो गया निश्चित और नियत का मतलब हो गया कि उसका इरादा जो है वो सही नहीं है, उसका उसकी नियत, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी उसमें। ठीक है जी, आगे आपके पास है यदा और कदा। ये तो आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, यदा कदा ही वह यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यदा कदा का मतलब क्या हो गया आपके पास, जब और कब, कि जब कब भी वो यहाँ आता है। जब कब मीन्स जब कभी, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यदा हो गया जब और कदा हो गया आपके पास कब। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आदि, और एक है आपके पास ये वाला, ये आपको करवाया हुआ है, बताओ इसका मीनिंग क्या निकलता है। ये करवाया हुआ है तो फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, आरंभ और अभ्यस्त मीनिंग होता है इसका। ये क्या हो गया, आरंभ, और ये क्या है आपके पास, अभ्यस्त मीनिंग है। बात समझ में आ रही है, जो चीजें करवाई है उनको प्लीज जो है वो लर्न करते चलिए और प्रॉपर उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है शब्द अवली और आबिल।
ठीक है, अवली और आविल, अवली और आविल, किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? अवली और आविल, जो अवली है दोस्तों उसका मतलब होता है पंक्ति, इस पंक्ति में जाना है, इस अवली में जाना है, ठीक है। जो आविल है आपके पास उसका मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो अवली हो गई आपके पास पंक्ति और आविल हो गया आपके पास गंदा, ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ जी बिल्कुल रीना, बिल्कुल सही बताया, आविल जो है वो गंदा होता है, ठीक है। एक ओटना और एक होता है उट, ओटना, एक होता है ओटना, एक में डबल मात्रा लगा दी तो ओटना बन गया, तो वो क्या होता है? बिनौली अलग करना और खोलना, जैसे ओटना होता है ना, कि ये ओटना, ओटना शब्द पता होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है खोलना, ठीक है। क्या होता है? खोलना मतलब होता है इसका। एक होता है ओटना, तो ओटना होता है बिनौले अलग करना, ठीक है। अब ये होता क्या है बिनौले, मींस वो मुझे डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिनौले अलग करना इसका मीनिंग है। ये जो है वो एमपी के किसी एग्जाम में पूछा गया था, ओटना और ओटना, तो बिनौले अलग करना, पूछने को कोई भी आ सकता है, एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कपट और कपाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपट एंड कपाट, तो बताएं कपट क्या होता है और कपाट क्या होता है? हाँ जी बोलिए, कपट क्या होता है और कपाट क्या होता है? हाँ जी ओके ओके, कॉटन सीड होता है विनोले, ओके चलिए बताएं कपट और कपाट क्या होता है, बताएं कपट क्या हुआ और कपाट क्या होता है? कपट सभी को पता है ना, छल है ना, छल यानी कि धोखा, एग्जैक्ट क्या बोलेंगे हम इसे, धोखा हो जाएगा। और कपाट क्या होता है? दरवाजा, ठीक है, यहां तक सबको पता चल गया, छल और दरवाजा, बिल्कुल सही बताए, सही बताए, ठीक है। आगे आप मुझे बताएं बलि और बली, आप मेरे बोलने से समझ पा रहे हो कि मैं कौन सी मात्रा का इस्तेमाल कर रही हूं? मैंने कहा बलि और बली, ठीक है, तो बलि और बली, दो शब्द है आपके पास, बलि और बली, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का क्या अर्थ हो जाएगा? बोलते ना उसकी बलि दो, यानी कि बलिदान हो दो, ठीक है। जो सेकंड वाली है इसका अर्थ क्या होता है फिर बताएंगे, बलिदान बोला और दूसरा क्या होता है? बलि होता है मरना, हाँ जी, जो मतलब बलिदान देना वाला, वैसा मरना नहीं आप डायरेक्ट बोल सकते। और ये जो बलि है ये होता है आपके पास यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, वरदान या कुछ और बोले, जो वली है, जो वरदान मतलब जो वीर होगा, है ना, एग्जैक्ट आप याद रखेंगे, जो वीर होगा, वीर जो है वो बलि बोलते ना, महाबली, तो वो वीर आप याद रखोगे यहाँ पर, ठीक है। और जो बलिदान है वो हो जाएगा आपका बलि, कि किसी का बलिदान दे रहे हो आप, उसकी बलि दी जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? वीर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मनुजात और मनुजात, मनुजात और एक है आपके पास मनु जात, दोनों में क्या डिफरेंस? बिल्कुल इजी सा है ये, मनुजात बोलते हैं ना, ये मनुजात है, ये मानव जात है, मनुजात इस तरीके से हम बोलते हैं, तो यानी कि मानव, और जो जात है वो क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा, ठीक है। मनुजात जो है वो मानव है और मनुजात जो है वो राक्षस को बोला जाता है, बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। वो ये सभी फटाफट से यहां तक सबको क्लियर हो गए जितने हमने किए, किसी से कोई चीज मिस तो नहीं हुई, किसी को कुछ पूछना हो बोलिए फटाफट से, शाबाश, क्लियर है यहां तक? हाँ जी चलिए, अब हम करेंगे पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट करेंगे हम पर्यायवाची शब्द, ठीक है। कहाँ तक किए थे आपने पर्यायवाची शब्द लास्ट टाइम पे वो भी मुझे बताएंगे। इंद्र का कर लिया था पर्यायवाची शब्द, इंद्राणी कर लिया था, वो आप मुझे बताएंगे, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उसके लिए आपने फटाफट से मुझे जो है वो बताना है। इंद्र का, इंद्राणी का करवा दिया था, ओके, उग्र का करवा दिया था, उजला का करवा दिया, नहीं करवाया हुआ है जितना मुझे ध्यान में है ना। तो चलिए सबसे पहले आप करेंगे इंद्राणी से स्टार्ट करेंगे, इंद्राणी से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं हम,
पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और फर्स्ट है आपके पास इंद्राणी। अब देखो, एक आप शब्द देख रहे हो इंद्राणी ये, और इसी का जो पर्यायवाची है वो इंद्राणी जो है वो इस तरीके से भी लिखा जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है इसका, पौलमी होता है, इंद्राणी हो जाएगा पौलोमी हो जाएगा, ठीक है, इंद्राणी हो जाएगा पौलोमी है, पौलमी नहीं है, ठीक है। पौलोमी जो है वो भी इंद्राणी को ही बोला जाता है। इंद्रवधु है ना, और सची, सची हो जाएगा, इंद्रवधु हो जाएगा, तो ये किसके नाम है, इंद्राणी को बोला जाता है, जो इंद्रवधु है, ठीक है, उसी को बोला जाता है, सेम उसी के हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अगोचर किसका पर्यायवाची है आपने वो मुझे बताना है। अगोचर जो है वो किसका पर्यायवाची है बताइए, शाबाश। अगोचर जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है। निशाचर, अगोचर कह रहे हैं, निशाचर का नहीं होता है, अगोचर जो है वो होता है आपका ईश्वर का पर्यायवाची, ठीक है, किसका होता है, ईश्वर का पर्यायवाची है, अलग है, इसीलिए मैंने आपको यहां पर जो है वो नोट करवाया है, ठीक है। अगोचर जो है वो किसका है, ईश्वर का, ठीक है, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, परमेश, जगन्नाथ, जगत प्रभु, जगदीश, ब्रह्मा, ये सभी जो है वो ईश्वर के है, लेकिन अगोचर जो है वो थोड़ा अलग था, सो मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसमें आप एक याद रखेंगे, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो तो वो भी किसका होगा, ईश्वर का ही पर्यायवाची शब्द बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कथन का पर्यायवाची क्या होगा, कथन, वचन और सुक्ति, कथन, वचन और सुक्ति, कथन, वचन और जो सुक्ति है किसके पर्यायवाची है ये बता सकता है कोई, कथन, वचन और जो सुक्ति है वो किसके पर्यायवाची होते हैं बताइए, शाबाश, किसके हैं। सुक्ति जो है वो उक्ति का होता है, बोलते ये उक्ति काम नहीं आ रही है ना, तो ये उक्ति जो है थर्ड का वो होगा, कथन, वचन और सुक्ति जो है वो इसी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है जी। आगे बात करें, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएंगे उपाय के क्या क्या पर्यायवाची है, उपाय को भी रहने दो, आप बताएंगे ऋषि, ऋषि के कौन कौन से पर्यायवाची आप लोगों को पता है बताएं, शाबाश। जो फोर्थ है आपके पास ऋषि, कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं ऋषि के, ऋषि के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो ऋषि है जैसे मुनि हो गया, साधु हो गया, संत हो गया, ये तो सबको पता है ना, तो यति और तपस्वी, यति और तपस्वी, तत्वज्ञ, यति, तपस्वी, ये आपको मेन पता होने चाहिए कि यति किसको बोला जाता है, ऋषि को बोला जाता है, तत्वज्ञ मीन्स तत्व का ज्ञान जिसको है वो भी क्या कहलाता है, ऋषि या फिर तपस्वी ही हम उसे बोलते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई बात। आगे आप मुझे बताएंगे औरत को क्या क्या बोला जाता है, सबको पता है घरनी बोला जाता है, घरवाली बोला जाता है, स्त्री बोला जाता है और जोरू बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि वसन किसे बोला जाता है, वसन किसका पर्यायवाची शब्द है बताइए, इजी है, वसन किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, बोलिए वसन किसका पर्यायवाची शब्द है, पता है किसी को, वस्त्र का, वेरी गुड प्रियंका, चीर, पट, अंबर, वस्त्र, ठीक है, चीर, पट, अंबर, वस्त्र जो है वो किसका है, वस्त्र के पर्यायवाची है आपके पास, ये वसन हो गया, अंबर हो गया, चीर हो गया, पट हो गया, ये सभी आ जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि जो वारिस है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, वारिस जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, सिक्स नंबर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, बोलिए वारिस जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है किसी को पता, वारिस जो है, या फिर इंदीवर भी हम बोल सकते हैं, ये भी आपको मुझे नहीं लगता कि पता ही होगा, तो वारिस और जो इंदीवर है वो किसके पर्यायवाची है,
मेघ कह रहे हैं, नहीं प्रियंका, मैंने वारिद नहीं लिखा है, मैंने लिखा है वारिज। अगर बारिद होता तो वो मेघ होता, लेकिन यहाँ पर बारिज है, इंदीवर है। उत्पल अगर मैं कहूँ, कज मैं कहूँ, उत्पल अगर मैंने कहा होता, कज मैंने कहा होता, तो आप बता सकते थे कि इसमें जो है वो कमल होता है, या फिर मैं कहूँ पंकज, ठीक है, जलज, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे आपके पास, पंकज कमल, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। और क्या बोलेंगे इसे, अरविंद भी बोला जाता है, और आप लोगों को लिखवाया हुआ है ये, मुझे जितना ध्यान में है, ठीक है, पंकज हो गया, अरविंद हो गया, ओके जी, पता चल गया। अब देखो, एक है कमल और दूसरा है आपके पास कमला, तो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं सोचना है कि अगर कमल है और कमला भी आपके पास सेम ही होगा। तो फटाफट से कुछ मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, कुछ नहीं लिखवाती हूँ, वो आपने नोट करने होते हैं जो मैं बोल रही हूँ। जैसे आपके पास है पद्मा, पद्मालय, पद्मासना, ठीक है, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, श्री, समुद्र जा, सिंधु जा, ठीक है, समुद्र जा, सिंधु जा, ठीक है, बाकी आप लोगों को बता दिए, तो वो आपके साथ सब जो है वो किसके हैं, कमला। लक्ष्मी हो गया, हरि प्रिया यानी कि हरि की प्रिया, वो भी कमला ही बोला जाता है, ठीक है जी, सबको पता चल गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि रतिपति किसको बोला जाता है, पता होगा, रतिपति मीन्स जो रति के पति है। अगर किसी ने जो है वो शिव भगवान से रिलेटेड कोई भी सीरियल देखा होगा, मूवी देखी होगी, तो उनको पता होगा जो रतिपति है वो किसको कहा जाता है, बोलिए शाबाश। मनोज भी है, मदन है, अनंग है, मनोज, मद, अनंग, तो ये कामदेव को बोला जाता है, रतिपति जो है वो कौन है, कामदेव जी हैं, उनको बोला जाता है आपका रतिपति, मनोज बोला जाता है, और उसके अलावा मद हो गया, अनंग हो गया, मयन होता है, ठीक है, मयन है, पुष्प धनवा है, और मीन केतु है, मकर ध्वज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। मकर ध्वज जो है वो भी किसको बोला जाता है, कामधेनु को ही बोला जाता है, ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया, कामधेनु बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मेरा क्वेश्चन है, मरीची किसका पर्यायवाची होता है, मरीची जो है, आप देख पा रहे हो जो इंपॉर्टेंट है इनमें चीजें वही आप लोगों को लिखवा रही हूं मैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जो है मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिखवा दी है, ठीक है, बाकी मैं बोल के करती हूँ, तो मरीची जो है वो किसका पर्यायवाची है, बोलेंगे शाबाश, मरीची किसका पर्यायवाची है, या मैं कहूँ कि रश्मि किसका पर्यायवाची है, दीप्ति किसका है, बोलेंगे रश्मि हो गया, दीप्ति हो गया, किसका है, बोलिए शाबाश, रश्मि, मरीचि और दीप्ति किसका पर्यायवाची शब्द होता है, ये है आपके पास। और अगर मैं कहूँ मयूख, तो ये सभी जो है वो किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, किसके हैं, किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, जो किरण है ना, बोलते हैं किरणें जा रही है, तो मरीचि, रश्मि, दीप्ति, मयूख, ये सभी आपके पास सेम है। ज्योति आपको पता है, और एक और ऐड करेंगे इसी वाले में, कर जो है, कर और प्रभा, ठीक है, किरण के ही पर्यायवाची होते हैं कर और प्रभा, उसको भी नोट करेंगे, ओके जी। नेक्स्ट है आपके पास यक्षराज जो है वो कौन है, यक्षराज हो गया, और राजराज जो है वो किसको बोला जाता है, यक्षराज हो गया और राजराज जो है वो किसको बोला जाता है, कोई बता सकता है, यक्षराज और जो राजराज है वो किसको बोला जाता है, या फिर धनाधीप हो गया, किन्नर, किन नरेश हो गया, अनद हो गया, किन नरेश हो गया, धनाधीप हो गया, किसको बोला जाता है, कोई बता सकता है, धनाधीप हो गया और किन नरेश हो गया, है किसी को पता, कुबेर को, वेरी गुड वेरी गुड, यक्षराज हो गया, अनद भी आप यहाँ पर नोट करेंगे, एक अनद जो है वो किसको बोला जाता है, यक्षराज को बोला जाता है, ठीक है,
यक्षराज को बोला जाता है, सॉरी यक्षराज तो आपको लिखवाया है कुबेर, ठीक है, कुबेर को बोला जाता है यक्षराज, राजराज, किन्नरेश, धनाधिप और अनंत, ठीक है। इसमें धनाधिप इंपॉर्टेंट है, यक्षराज इंपॉर्टेंट है, राजराज भी इंपॉर्टेंट है, सो मैंने आपको ये लिखवा दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आपने ये सारा चीज देख ली, हमने तीन चीजें आज डिस्कस की, एक हमने जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किया, दूसरा हमने जो है वो श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जाना, और तीसरा हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में किया, ठीक है। तो आज की अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हो आपको ऐसी ही क्लासेस आगे भी चाहिए, या फिर हम कंटेंट के ऊपर वापस आ जाएं, तो आप बताएंगे मुझे क्या चाहते हैं आप, कि जो हम मेन कंटेंट पढ़ रहे थे उस पे वापस आ जाए, या फिर इस तरीके के जो पर्यायवाची विलोम शब्द हैं ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ टाइम तक, और जैसे आपकी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ओके। तो बताएं क्या करना चाहते हैं आप, कोई सजेशन, कोई आप बोलना चाहो, यही ठीक है, ओके।